झारखंड लुटा रहा है, सबने बताया। बात वही है कि हम लोग का झारखंड को लूटने से हम लोग को अभी बचाना है। तो देखिएगा, आप लोग ये सोचते होंगे, थोड़ा ये बोल रहे कि छना का असलन राजनीति क्वेश्चन। हम लोग कोई राजनीति करने नहीं आए हैं, इसको दिमाग में आप लोग घुसा लीजिए। हम लोग व्यवस्था बदलने आए हैं। हमारा व्यवस्था बदली चाहती थी, हाल व्यवस्था बदल लगे लोग चुके। हम लोग का एक ही मकसद है कि ये जो सिस्टम है इसको हटाना है, करप्ट सिस्टम हटाना है और कुछ अच्छा चीज लाना है हमारा झारखंड में। आज झारखंड में क्या हो रहा देख रहे हैं, समझ लो। धोती साड़ी तो अभी जैसे दादा बोला ये हमें मिलता है, सरकार देते है हमारा स्टोर में, धोती साड़ी स्टोर में हम लोग को मिलेगा और नौकरी हम लोग का बाहरी को बेचा जाएगा। हो रहा है कि नहीं हो रहा बताइए। 26 में से केवल 3 को झारखंड का था और बाद बाकी सब बाहर लोग का था। समस्या बहुत है, रोजगार से संबंधित समस्या है, नौकरी से संबंधित है, पेटर ले समस्या है, हम लोग का पेट कैसे पालेंगे वो समस्या है। रोजगार कहाँ से होगा, दो जगह से, एक तो प्राइवेट में करेंगे, एक तो सरकारी में करेंगे। प्राइवेट में तो क्या स्थिति है आप लोग जाके देख सकते हैं, रूमटा में अगल बगल काको ले की गो काको नहीं लिबे। हमदार जमी गेलो, बाप दादार जमी गेलो, लेकिन नौकरी हम लोग को नहीं मिलेगा, बाहर को मिलेगा। सरकारी में आइए, सरकारी में तो जैसे आप लोग बताए कि आप तो जैक बोर्ड वाले हैं, सीबीएसई वाले से सकेंगे नहीं सकेंगे, उसका तो वहां सेटिंग चलता है। आप लोग देखिएगा हर क्षेत्र में जो तो जगह जबे सब वहां देख रहे, बिहारी के बिहारी, बंगाली के बंगाली, सब ढुकिया रहे हैं। तो कैसे हटाएंगे इन लोगों को, और अगर नहीं हटा पाएंगे तो आज जो हम लोग का झारखंड का जो स्थिति है इससे और ज्यादा खराब जाएगा। सब लोग समझ लीजिए, जैसे जंटू बाबू बोल रहे ना बेकार हम लोग बच्चा को पढ़ा रहे, वास्तविक में ऐसा भी समय आएगा कि हम लोग का बच्चा को पढ़ा करके कुछ फायदा नहीं होगा। क्योंकि बच्चा क्यों पढ़ाते हम लोग, कहीं कहीं नौकरी करे, कहीं रोजगार करे, तो छाना पढ़ाई करे जो हुआ, कोनो नौकरी चाकरी रोजगार नहीं हो गए तो जाबे की कर रहे, की कर रहे, बहुत बड़ा समस्या है। तो बहुत कोई बहुत सारा बात बोला, बस एक ही बात आप लोगों को समझाना है कि देखिए यहाँ पर हम लोग को हर दिन बोका बनाया गया है। अब जेएमएम से एक बार हम लोग को फुटबॉल जैसे खेल के बीजेपी, अब बीजेपी से जेएमएम, जेएमएम से बीजेपी, बीजेपी से जेएमएम, तमाम तरह का पार्टी लोगों को हमने देखा, सबके देख लिए। एक बार जैसे हमारा कंपाउंडर जी बोला कि टाइगर को भी एक बार देखिए, अगर ये भी काम नहीं करता है तो खींच के उतारे इसको भी, कोई दिक्कत नहीं है भाई। तुम भी तो कल बोलता है, बड़ा बड़ा भाषण देता है, करता कुछ नहीं है, है ना। तो चाहते हैं कि एक बार आप लोग सही रूप से सही कैंडिडेट देख करके इस बार का चुनाव में आप लोग समर्थन दीजिए। और इस बार का चुनाव पैसा का को नहीं मिलवे, जोराम ठीक को पैसा नहीं है। इस बार का चुनाव आप लोगों को वोट भी देना है और नोट भी देना है। कल नेता लोग क्या करता था, आप लोग वोट देते थे और नोट लेते थे ना, इस बार वैसा मत कीजिए। इस बार आप लोग वोट भी दीजिए और नोट भी दीजिए, और जो भी आएगा आप चीट करके उसका फांसी करवा सकते हैं। हम तो तुमको वोट दिए थे, 10 रुपया का नोट भी दिए थे, तुम क्या तुमको लोग पढ़ा इतना। हम लोग का जो अभी चुनाव जब आएगा ऐसा ऐसा चीज हम लोग के साथ में एग्रीमेंट करेंगे हम लोग, ताकि जनता को लगे। सबसे पहला बात हम लोग का ये एग्रीमेंट रहेगा कि जो भी विधायक का वेतन रहेगा उसका आधा पैसा हम लोग भुगतान करेंगे। ये हमारा सबसे पहला मुद्दा है। जो भी विधायक बनेगा, जयराम दा का साफ आदेश है कि कोर्ट एग्रीमेंट पेपर रहेगा हम लोग का कि उसका वो आधा पेमेंट दान करेगा, ठीक है। और अभी तो न्यूज में आ रहा है कि मंत्री लोग बेटा पैसे ही पैसा बढ़ा रहे, 40% से 40,000 से 60,000 फिर बढ़ा दिया मंत्री लोग, घर खाली सब पीछू बन रहे अंदर लगे कोनो नहीं बन रहे। तो ये सब हमारा मुद्दा है, बहुत सारा चीज है, लेकिन सबने इतना कहा तो मेरे पास और बच्चों कहने के लिए कुछ नहीं बचा है। बस यही है कि आप लोग इस बार थोड़ा सा ध्यान दीजिए, और जो भी आता है, जो भी पार्टी आता है उसको बोले आप तुम लोग का राजनीतिक नहीं चलेगा। बहुत हम लोग ठग लिया बन लिया, एक बार हम लोग एक ईमानदार पार्टी के साथ जाना चाहते हैं, पढ़ा लिखा युवा लोग का सरकार बनाना चाहते हैं। इस पर आप लोग को ध्यान देना होगा। हम लोग का नेताजी कितना पढ़ल है, कोई बोलता है कड़ाई गुप्पी है, वास्तविक बात है। कड़ा गुप्पी वाला क्या डील करेगा हम लोग का झारखंड सरकार, उसको तो ISIPS लोग घुमाते रहेगा। वो जब सरकार में कोई भी जाता है बिना पढ़ा लिखा आदमी, उसका अगल बगल तो ISIPS रहेगा,
सब बाहरी सब रहेगा, बंगाली सब रहेगा, बिहारी सब रहेगा, तो हम लोग का हित का नीति का बात नहीं करता। अब इसीलिए थोड़ा सा पढ़ा लिखा और एक क्या बोलेंगे कर्मठ जुझारू प्रखर रूप से हम लोग का जो बात रख सके वैसा हम लोग को चुनना है। कथा तो हमारे बुझो ना, हिंदी है बुझी लेकिन बुझो क्या कि एखन ना बुझे तो बाद अनेक दिक्कत हो जाए। तो वही बोली करी लास्ट टाइम सबा के यही बोल कि जयराम दार हम पार्टी अच्छे झारखंडी भाषा खत्यान संघर्ष समिति वही सदस्य तोरा बनो और वार बदले यही कथाटा जेमन तोरा आसीच एखन मोटामोटी 100 लोक अच सौ लोग यही जिनिसा तोरा पूरा प्रचार प्रसार करो। आप लोगों को भी कहना चाहेंगे जो भी है अपना स्तर पर प्रचार प्रसार कीजिए और इस बार बदलाव कीजिए। राजनीतिक बदलाव नहीं करेंगे तो बहुत ज्यादा दिक्कत होगा, आपको भी दिक्कत होगा, हमको भी दिक्कत होगा, पूरा हम लोग का सरायकेला विधानसभा के आदमी को दिक्कत होगा।